अब देखो जेम्स गन के न्यू डीसीयू के बारे में आप में से काफी लोग ये बात तो पहले से जानते ही हैं कि हमें डीसीयू चैप्टर 1 यानी कि गॉड्स एंड मॉन्स्टर में सुपरमैन की एक रिबूट मूवी देखने को मिलेगी जो कि मेनली फोकस करेगी क्लार्क कैंट की अर्ली लाइफ के ऊपर, यानी कि वो टाइम जब वो काफी यंग था। एंड इसीलिए मूवी का नाम भी होगा सुपरमैन लेगेसी, जिसके बारे में अभी हाल ही में ऐसी अपडेट भी निकल के आई थी कि जेम्स गन इसे खुद बनाएंगे यानी कि वही से डायरेक्शन देंगे, जिसके बाद से इसके बारे में ऐसे रूमर भी सुनने में आ रहे हैं कि अब मूवी के लिए एक्टर्स की खोज भी चालू हो चुकी है, स्पेशली क्लार्क कैंट एंड लॉइस लेन के रोल के लिए। साथ ही इसके बारे में ये भी कहा गया कि टैलेंट एजेंसीज को नोटिस भी सेंड कर दिया गया है कि उन्हें सुपरमैन लेगेसी के लिए कुछ एक्टर्स की तलाश है जो कि अपने अर्ली 20s में हों, ताकि वो क्लार्क कैंट, लॉइस लेन एंड जिमी ऑल्सन का रोल पोर्ट्रे कर सके। पर जब इसके बारे में जेम्स गन से पूछा गया तो वो कहे कि ये सच नहीं है। हालांकि वो इस बात को ऑफिशियली कंफर्म करते हुए कहती हैं कि अभी के टाइम पे उन्होंने इस मूवी के लिए कुछ पोटेंशियल एक्टर्स की लिस्ट के ऊपर काम करना चालू कर दिया है जो कि ये रोल प्ले करने के लिए बेस्ट हैं, पर अभी तक मूवी के लिए कास्टिंग की प्रोसेस को स्टार्ट नहीं किया गया है। साथ ही सुपरमैन लेगेसी के बारे में ऐसे भी रूमर थे कि मूवी के अंदर क्लार्क कैंट की एज को 25 ईयर की अबाउट पोर्ट्रे किया जाएगा, जिसको बिना मेंशन करते हुए जेम्स गन कहते हैं कि मूवी के अंदर क्लार्क कैंट बैटमैन से लिटिल यंगर होगा। और बाकी एंडिंग में वो इस बात को क्लियर करते हुए ये भी कह देती हैं कि मूवी की कास्टिंग तभी चालू हो पाएगी जब इसकी स्क्रिप्टिंग खत्म होगी, जो कि बस अभी खत्म होने की अपने आखिरी स्टेज पर है। यानी कि ऐसा कह सकती हैं कि आने वाले 4 से 5 महीनों के अंदर अंदर हमें न्यू डीसीयू का न्यू सुपरमैन देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल के लिए जो स्पेकुलेशन है तो उसके हिसाब से जेकब एलॉर्डी या फिर ग्लेन पॉवेल न्यू सुपरमैन हो सकती हैं। अब अगर बात करें जॉन विक पार्ट 4 के बारे में, जो कि अब ऑफिशियली थिएटर्स में आ चुकी है एंड ऑडियंस से काफी अच्छे रिव्यूज भी बटोर रही है, और अभी हाल ही में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ऐसी अपडेट भी निकल के आई है कि मूवी ने थर्सडे नाइट प्रीव्यू से करीबन 8 मिलियन की अर्निंग कर ली है। एंड ये वाकई अच्छा है जॉन विक पार्ट 3 पैराबेलम के थर्सडे नाइट प्रीव्यू से, जो कि था 5.9 मिलियन। इसी के साथ ही मूवी ने हेलोवीन 7.7 मिलियन एंड बैड बॉयज फॉर लाइफ 6.3 मिलियन के थर्सडे नाइट प्रीव्यूज के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। और बाकी अभी तो जॉन विक पार्ट 4 के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इसका डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसके ओपनिंग वीकेंड पर 65 to 70 मिलियन के बीच होगा, और बाकी ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 115 मिलियन के पार भी जा सकता है। एंड आप में से किस किसने मूवी देख ली है तो नीचे अपने थॉट्स कमेंट करना मत भूलना विदाउट एनी स्पॉइलर्स। अब देखो अगर बात करें स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज के बारे में, जिसके सीजन 5 का उन सभी को इंतजार है जो कि सीजन 4 के इस एंडिंग वाले सीन से रूबरू हो चुके हैं, और टाइम टाइम पे ऑडियंस के बीच इस शो की एक्साइटमेंट को इंक्रीज करने के लिए मेकर्स ने इस सीरीज के बारे में काफी सारी अपडेट को रिवील भी किया है। एंड अभी हाल ही में सीरीज के राइटर्स कहती हैं कि अगर हम इस शो के पार्ट 1 एंड पार्ट 4 के बीबी के अंदर स्टेरॉइड्स इंजेक्ट कर दें तब जाकर हमारा पार्ट 5 बनकर रेडी हो जाएगा। हालांकि ये बात उन्होंने काफी क्रिएटिव तरीके से कह दी है, पर असल में उनके कहने का मतलब ये था कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज का सीजन 5 सीजन 1 एंड 4 का मिक्स एलिमेंट होगा, यानी कि हमें पार्ट 1 एंड पार्ट 4 में जो भी इवेंट देखने को मिले हैं उससे कई गुना बड़े इवेंट हमें सीजन 5 में देखने को मिलेंगे या फिर पार्ट 5 में। जहाँ पे पार्ट 1 काफी लाइट था, पार्ट 4 काफी डार्क, तो ऐसा हो सकता है कि पार्ट 5 इन दोनों का कॉम्बो हो। पर अफसोस आपको ये कॉम्बो देखने के लिए 2025 तक का वेट करना पड़ सकता है, एंड ये वाकई काफी लंबा टाइम है, जिसके लिए आप में से कौन कौन वेट कर रहा है तो प्लीज कॉमेंट #ST5।